नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 और मैं हूं पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। यूपी के जालौन जिला जेल का जिलाधिकारी मन्नान अख्तर और एसपी अमरेंद्र प्रसाद ने औचक निरीक्षण किया। जेल में एक एक कैदी की जांच की गई तो कई आपत्तिजनक सामग्री पाई गई। इसके लिए जिले के सभी थानों से पुलिस फोर्स भी बुलाई गई। निरीक्षण के दौरान कैदियों के पास से कुछ आपत्तिजनक सामग्री मिली है, किंतु अफसरों ने बताने से इनकार किया। पत्रकारों ने जब अफसरों से कार्यवाही के बारे में पूछा तो उनका कहना था कि कार्यवाही करना शासन का काम है, शासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी जिस पर शासन कार्यवाही करेगा। कुछ मिला है? देखिए, ये औचक निरीक्षण मेरे और पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया है और नॉर्मल हम लोग का निरीक्षण था, ऐसा कोई विशेष बात नहीं था। करना था बहुत दिन से तो इसको हमने किया। कुछ सामग्री आपत्तिजनक मिली है जिसको हमने जब्त कर लिया है और शेष जो है उसकी रिपोर्ट जो है वो अपनी रिपोर्ट हम लोग शासन को प्रेषित करें। क्या कार्रवाई करेंगे इस पर? कार्रवाई तो देखिए शासन की तरफ से होगी, बाकी जिनके विरुद्ध पाया गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई। यूपी के रामपुर में दहेज लोभी ससुराल पक्ष के लोग घर की बहू पर जुल्म और अत्याचार बरपा रहे हैं। कलयुगी जेठ ने अपने छोटे भाई की पत्नी के शरीर पर काट काट कर कई जख्म कर दिए हैं। लगातार जेठ और ससुराल के लोग बेगुनाह बहू पर जुल्म कर रहे हैं। हद तो यह हो गई कि ससुराल के लोगों ने बहू को इतना पीटा है कि जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र के बाबा दीप सिंह नगर निवासी बाबी उर्फ मोहम्मद कमर का विवाह 21 मई 2016 को संभल निवासी चांदनी से हुआ था। शादी के कुछ महीने बाद चांदनी का पति कुवैत चला गया। बाद में जेठ चांदनी पर बुरी नजर रखने लगा और ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज को लेकर बहू चांदनी से मारपीट करनी शुरू कर दी। जेठ ने महिला के शरीर पर काट काट कर निशान बना डाले। इस वक्त महिला चांदनी की हालत नाजुक बनी है और वो रामपुर के जिला अस्पताल में भर्ती की गई है। पीड़िता ने आरोपी जेठ सहित अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ कोतवाली सिविल लाइन में तहरीर दे दी है, पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की। लगभग 2 बजे के करीब लेटी हुई थी। मेरा जेठ मुझसे बंदी निगाह रखता है। मैं लेटी थी तो मेरी मैम मेरे घर पे थी, वो बाज़ार गई हुई थी, आई हुई थी घर पे, बाज़ार गई हुई थी। तो उसने अकेले देख के मुझे मेरे कमरे में आया और मुझे बंदी निगाह से उसने मुझे देखा और मुझे पकड़ लिया। तो मैंने शोर मचाया तो उसने मुझे मारा और मुझे काफ़ी मारा है, उसने काटा है बहुत बुरी तरह से। फिर मेरी चीखों की आवाज़ सुन के मेरी जिठानी अपने कमरे में आ कर उसने मेरे बाल पकड़ लिए मेरी जिठानी ने, और मेरा जेठ मुझे बहुत बुरी तरह से काट रहा था। फिर उसने मेरे सर में भी काफ़ी मारा है बुरी तरह से, मुझे बहुत ही ज़्यादा। तो 2 साल से एडमिट हुई हैं ज्वाला नगर से, क्या मामला है उनका? सर कहाँ 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 चोटें लगी हुई हैं अभी जो ड्रेसिंग में? यूपी के रामपुर में हाईटेक तरीके से पशु की तस्करी की जा रही है। पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ी पशु बरामद की। कार में कई पशुओं की दम घुटने से मौत हो गई। पुलिस को देख पशु तस्कर मौके से हुए फरार। रामपुर के थाना पटवाई और चौकी सेफ ने पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लग्जरी कारों से प्रतिबंधित पशुओं को बरामद किया है। पुलिस ने पशु विभाग से परीक्षण कराकर उन्हें गौशाला भेज दिया है और आरोपी तस्करों की तलाश में जुट गयी है। सर, सेफिनी और पटवाई पुलिस ने लग्जरी कारों से पशु बरामद किए हैं, क्या है? ये आजकल अभियान चला रखा है सबके मिलकर, जो पशुओं को कटाने के लिए जो है जो प्रतिबंधित पशुओं को लाने ले जाने का काम है उनके खिलाफ अभियान चला रखा है। इसके तहत जो है पटवाई पुलिस द्वारा भी अच्छी गाड़ी जो लग्जरी गाड़ी
उसमें पशु ले जा रहे थे, 5 पशु उसमें पकड़े हैं और सेफनी पुलिस द्वारा जो है बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। बताया जा रहा है कि हर रोज की तरह नाबालिग और उसकी मां अलग अलग स्थान पर घुया बिनने गई थी, जहां मालिक ने बंद कमरे में नाबालिग से ज्यादती की। काम के दौरान मालिक नेकपाल पुत्र गंगा सहाय निवासी बिसौली आया और उसने नाबालिग लड़की से कमरे के अंदर से सड़े हुए आलू अलग करने के लिए कहा। नाबालिग जैसे ही कमरे के अंदर गई तो मालिक ने पीछे से जाकर दरवाजा बंद कर उसके साथ खोटा काम किया। पीड़िता ने घटना की जानकारी मां को देने के बाद बिसौली कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। बताया जा रहा है कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। ये एक लड़की है वहाँ बिसौली की, ये खेत पर काम करने गई थी, तो जो काम करने वाला जो कराने वाला ठेकेदार था ये पहले उसके साथ पहले भी वहाँ उसके खेत पर काम करने जाती रही है, तो इन दोनों के आपस में कुछ सहमति से उसने संबंध बनाए। लेकिन चूँकि लड़की नाबालिग है और उसने संबंध बनाए थे तो इसमें उस अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसमें रेप का मुकदमा कायम कर दिया गया है और अभी जेल भेजा जा रहा है। अभी की खास खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।